Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we'll start the development of the digestive system. So, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास हमारी बुक में दिया गया है, that is the division of the gut tube. अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक होती है सेफेलोकॉडल, मतलब कि जो हेड और टेल है वो एक दूसरे के पास होते हैं, this is called सेफेलोकॉडल फोल्डिंग, और दूसरी होती है लेटरल फोल्डिंग. अब इन दो फोल्डिंग्स ऑफ द एम्ब्रियो की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो तीन हमारी जर्म लेयर्स थी ड्राइव्ड फ्रॉम द हमारे पास जो होती हैं गैस्ट्रुलेशन में, हमारे पास तीन जर्म लेयर्स बनती हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो एंडोडर्म है ना हमारे पास, ये हमारे पास इनकॉर्पोरेट होती है इन टू द एम्ब्रियो. अब उसकी एम्ब्रियो में इनकॉर्पोरेशन की वजह से क्या होता है कि प्रिमिटिव गट बनती है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सेफेलोकॉडल और लेटरल फोल्डिंग की वजह से क्या होता है कि एंडोडर्म इनकॉर्पोरेट होती है इनटू द एम्ब्रियो और प्रिमिटिव गट बना देती है. अब हमारे पास प्रिमिटिव गट बन गया. अब देखें, इसने प्रिमिटिव गट बना दिया. अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास दो और चीज़ें होती हैं हमारे एम्ब्रियो में. द फर्स्ट वन इज़ द यॉक सैक, और हमारे पास एक उसकी एक हमारे पास कॉर्डल एंड की एक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एलवेंटस. ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये आउटसाइड द एम्ब्रियो रहेंगी. ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि बाद में जाके क्या होता है कि यॉक सैक का थोड़ा पार्ट अंदर जाता है और बाकी जो पार्ट होता है वो छोटा हो जाता है एंड देन रिग्रेस हो जाता है. ठीक है, और यॉक सैक का काम भी बेसिकली होता है कि शुरुआत वाले डेज में वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आफ्टरवर्ड्स उसका कोई काम नहीं है इसलिए वो रिग्रेस हो जाता है. तो देखिए, अब ये यॉक सैक और एलेंटस रिमेन आउटसाइड ऑफ द एम्ब्रियो. उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब इसकी उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो प्रिमिटिव गट बनी है ना, प्रिमिटिव गट क्या करेगी अब कि उसकी सिफेलिक और जो कॉर्डल पार्ट है. अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऐसे है यॉक सैक और यहाँ पे ये सारी हमारी प्रिमिटिव गट है. अब ये क्या करेगी कि ये ब्लाइंड एंडिंग बनाएगी एट इट्स बोथ एंड्स. ठीक है, अब जैसे ही इसने ब्लाइंड एंडिंग्स बनाई दोनों साइड्स पे, तो जो सेफेलिक पार्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फोरगट में, और जो कॉर्डल पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइंडगट में, और जो इनका बीच का पार्ट है वो कन्वर्ट होगा मिडगट में. ठीक है, अब ये मिडगट में कन्वर्ट हो गया. लेट मी ज़ूम इन. तो ये हमारे पास मिडगट में कन्वर्ट हो गया. अब देखिए, मिडगट इस यॉर्क सैक से कनेक्टेड है थ्रू द यहाँ पे ट्यूब होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विटलाइन डक्ट. ठीक है, इसको हम लोग यॉर्क स्टॉक भी बोलते हैं बेसिकली. तो मिडगट कनेक्टेड है टू द यॉर्क सैक थ्रू द विटलाइन डक्ट. मैं आपको सारा का सारा बुक से भी दिखाऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये हमारा कि प्रिमिटिव गट ने दो ब्लाइंड एंडिंग्स बनाई. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फोरगट एट द सेफेलिक एंड एंड द हाइंडगट एट द कॉर्डल एंड. ठीक है, मिडगट इनके बीच में होता है और यॉर्क सैक कनेक्टेड होता है बाय द विटलाइन डक्ट. इतना हमारे पास कंप्लीट हो गया. अब हम लोग फॉर द स्टडी पर्पस क्या करते हैं कि प्रिमिटिव गट को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब वो चार पार्ट्स कौन से हैं मैं बताती हूँ आपको. तो प्राइमरी गट को हम लोग जो है ना डिवाइड करते हैं इनटू द फोर पार्ट्स. ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द फेरेंजियल गट या फिर फेरिंग्स. ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये स्टार्ट करता है हमारी ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से अप टू द रेस्पिरेटरी बड. क्या होता है रेस्पिरेटरी बड, या हम लोग उसको लंग बड भी बोलते हैं. जी आ जाएं इस फिगर पे, ये आप देखें, इसमें हमारे पास फर्स्ट फिगर में दिखाया गया, ये देखें हमारे पास एंडोडर्म जो है ये इनकॉर्पोरेट होती है इन टू द एम्ब्रियो और यहाँ पे ये बनाती है हमारे पास प्रिमिटिव गट. ठीक है, प्रिमिटिव गट और हमारे पास प्रिमिटिव गट जो है ये आगे जाके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फोरगट मिडगट एंड हाइंडगट. ठीक है, ये देखिए आप, ये हमारे पास फोरगट और हाइंडगट, फोरगट एट द सेफेलिक एंड और मिड हाइंडगट एट द कॉर्डल एंड, और ये बीच में हमारे पास जो है मिडगट है जो हमारे पास कनेक्टेड है टू द यॉर्क सैक. ठीक है, आप लोग इसको इधर से देख सकते हैं. देन अब फिर इसकी डिविजन्स दिखाई गई हैं. देखिए हमारे पास ये जो है हमारा ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से लेकर इन्होंने दिखाया हुआ है ये देखिए लंग बड तक, मतलब हमारे पास जो रेस्पिरेटरी डायवर्टिक्यूलम या रेस्पिरेटरी बड है वहाँ तक जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड द फेरेंजियल गट. इसको हम लोग फेरिंग्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी बड से लेकर लिवर बड तक इनके बीच में जो ये होगा इसको हम लोग बोलते हैं फोरगट. उसके बाद हमारे पास मिडगट है, ये हमारे पास कहाँ से होता है, लिवर बड से लेकर अप टू द
junction of the right and the left, right 2/3 and left 1/3 of the transverse colon, इसके बीच का जो junction होता है वहां तक हमारे पास क्या extend करता है, midgut. उसके बाद हमारे पास next आ जाता है foregut, that is from that junction up to the cloacal membrane, ये हमारे पास हो जाता है hindgut. ठीक है, तो ये हमारे डिविजन हो गए. इन्होंने यहाँ पे नेमिंग नहीं की, आप लोग कर सकते हैं. फ्रॉम द ऑरोफेरेंजियल अप टू द लंग बट इज कॉल्ड द फेरेंजियल गट. फ्रॉम लंग बट टू द लिवर बट इट्स कॉल्ड द फोरगट. फ्रॉम लिवर बट अप टू द जंक्शन ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट ट्रांसवर्स कोलन दैट इज कॉल्ड द मिड गट. एंड फ्रॉम द जंक्शन अप टू द क्लोकल मेम्ब्रेन इट्स कॉल्ड द हाइंड गट. ठीक है, तो ये हमारे पास चार डिविजन हो गई ऑफ द प्राइमरी गट. ठीक है, अब जी आ जाते हैं हम इसके कुछ के यहाँ से कहाँ कहाँ से ये चीज़ें इसकी ड्राइव हो रही हैं. ठीक है, तो जो सारी की सारी एपिथीलियम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की और कुछ सेल्स पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ द ग्लैंड, जैसे हमारे पास हेपेटोसाइट्स हो गए, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज हो गए, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ना ये हमारे पास एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं. ठीक है, जबकि हमारे पास जो स्ट्रोमा या हम लोग जिसको कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ग्लैंड्स बोलते हैं, वो मसल्स पेरिटोनियल कंपोनेंट ऑफ द वॉल ऑफ द गट, ये जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो हमारे पास कहाँ से निकलती हैं, विसरल मेसोडर्म से निकलती हैं. ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है. अच्छा, एक जो मेन डिफरेंस आपको याद रखना है, पेरेन्काइमा ऑफ द ग्लैंड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म. ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में छोटे छोटे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखने हैं कि पेरेन्काइमा ऑफ द ग्लैंड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म, वाइल द स्ट्रोमा और द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ग्लैंड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द विसरल मेसोडर्म.